हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश सब एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट वन वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट सम फार्मूला ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड आल्सो सॉल्व ए क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट टू वीडियो वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल x² + y² = a². Now solution. Given equation of circle is x² + y² = a². Let this is equation number first. Student, इस circle का equation observe किया जाए तो यहां से यह क्लियर है कि इस सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा। ओरिजिन मींस 0 0 होगा और रेडियस a यूनिट होगा। सबसे पहले सर्किल हम यहां पर बना रहे हैं और इस तरह से इसे पार कर रहे हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पर हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। स्टूडेंट, इस सर्किल का सेंटर 0 0 है और रेडियस a यूनिट है। तो यहां हम सपोज कर ले रहे हैं एक्स एक्सिस पॉइंट a और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट हो रहा है यहां पर पॉइंट b, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, क्योंकि रेडियस a यूनिट है, मींस OA की वैल्यू a यूनिट है, तो OB की वैल्यू भी a यूनिट होगा। तो OA की वैल्यू a यूनिट है, a का कोऑर्डिनेट a0, OB की वैल्यू a यूनिट है, तो B का कोऑर्डिनेट 0, a होगा। हमें इस सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वन क्वाड्रेंट का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इस सर्किल को क्वाड्रेंट एक्सिस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और ईच पार्ट क्वाड्रेंट कर रहा है। अगर हम वन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पूरे सर्किल का एरिया हमें फाइंड आउट हो जाए। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर कर रहे हैं, इसी रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर ले रहे हैं। जब इसी रीजन का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से y² = a² - x², दिस इंप्लाइज दैट y = ± √a² - x². स्टूडेंट, यह रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहां पर हम पॉजिटिव साइन लेकर के चल रहे हैं। और एक बात और आप याद रखिएगा, एरिया अगर आप इवेलुएट कर रहे हैं तो कहीं निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो हमेशा हम उसे पॉजिटिव में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हम यहां फाइंड आउट करेंगे। तो y = हो जाएगा √a² - x². लेट कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एरिया का फॉर्मूला हम बताए हैं, एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y ds।
इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। यहां पर ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब लोअर लिमिट जीरो, क्योंकि इसका क्वाड्रेंट जीरो जीरो है, तो एक्स एक्सिस पर अगर हम कंसीडर करें तो ए की वैल्यू यहां पर जीरो है और बी की वैल्यू ए, क्योंकि फार्मूला है एरिया ऑफ रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डीएस, तो लोअर लिमिट हो जाएगा जीरो और अपर लिमिट हो जाएगा ए, मींस इंटीग्रेशन जीरो टू ए वाई डीएस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए वैल्यू ऑफ वाई इज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएस, दिस इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स यह एक फार्मूला है और हम इसका वैल्यू बता चुके हैं, वैल्यू हो जाएगा इसका इस इंटीग्रेशन का एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, डिफिनिट है तो सी नहीं लिखेंगे और लिमिट हो जाएगा जीरो टू ए। अब यहां से हम लिख लेंगे दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे तो हो जाएगा ए बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस जीरो बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो बाई ए, दिस इज इक्वल टू ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स जीरो प्लस ए स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस जीरो और ये भी हो जाएगा माइनस जीरो, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाई टू और यह भी जीरो, यह टर्म भी जीरो और यह टर्म भी जीरो, मीन्स ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई फोर, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई फोर। लेकिन स्टूडेंट हमें पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है, हम केवल वन क्वाड्रेंट का निकाले हैं, पूरे सर्किल का एरिया निकालने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्किल दिस इज इक्वल टू एरिया सर्किल इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ सर्किल दिस इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर बाई फोर, पाई ए स्क्वायर बाई फोर, फोर से फोर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर यूनिट्स स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्किल व्हेन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम, थैंक्स।